मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह। मुझे पहली बात ये कहनी है कि प्रकृति ने इस देश को सब प्रकार से संपन्न बनाया है, खनिज संपदा, जल संपदा, वन संपदा, भू संपदा, परंतु कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से ये देश विपन्न होता चला गया। प्रकृति ने माला माल बनाया, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से ये देश हमारा कंगाल होता चला गया। आज उस प्रकार के उस मॉडल को बदलने की आवश्यकता और भारतीय जनता पार्टी ने एक वैकल्पिक मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी कुछ बुनियादी तत्वों को लेकर के देश का सर्वांगीण विकास करना चाहती है। मोटे तौर पर वो पांच तत्व हैं। नंबर एक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नंबर दो, आर्थिक राष्ट्रवाद। नंबर तीन, सामाजिक समतावाद। नंबर चार, प्रखर हिंदुत्ववाद। और नंबर पांच, राजनीतिक नैतिकतावाद और राजनीतिक सिद्धांतवाद। भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प को साकार करना चाहती है कि भारत रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं, कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्त बनाना चाहते हैं, एक स्वावलंबी, संपन्न और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सोच हमारा उसे आर्थिक राष्ट्रवाद के सोच में से पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में तो एक आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है। आर्थिक दृष्टि से अभी हम आजाद नहीं हैं। विदेशों का कर्जा क्या है, मोटे तौर पर आज 7,772 रुपये का प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा लादा हुआ है। आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी किसी भी देश की आधी होती है, अधूरी होती है, लूली होती है, लगड़ी होती है। और इसलिए आर्थिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है। आज का ये आर्थिक प्रस्ताव हमारी उसी आर्थिक आजादी का एक महत्वपूर्ण सोपान है जिसे हम और आप पार करने के लिए जा रहे हैं। इस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमने स्वदेशी और स्वावलंबन को अपने हथियार के रूप में स्वीकार किया है। यह स्वदेशी अगर एक शब्द में व्याख्या की जाए तो स्वदेशी का अर्थ है संपूर्ण रोजगार। जब संपूर्ण रोजगार होगा तब देश में आर्थिक विकास होगा। हमें याद है कि एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोग बड़े मोहित हो गए थे गरीबी हटाओ का नारा सुनकर के, लेकिन क्या गरीबी हटी? गरीबी नहीं हटी, गरीबी हट भी नहीं सकती थी। हटती तो वो चीज है जो होती है, गरीबी स्वयं में कोई चीज नहीं है। गरीबी स्वयं में कोई चीज नहीं है, गरीबी तो किसी चीज का नतीजा है और गरीबी है नतीजा बेरोजगारी का। जिस घर में रोजगार होता है गरीबी उस घर से विदा होती है, और जिस घर के अंदर बेरोजगारी आती है गरीबी उसी घर के अंदर आकर के बैठ जाती है। मोटी परिभाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं अगर हाथ को काम है तो जेब में दाम है, और जेब में दाम है तो घर में खुशहाली है, और अगर हाथ खाली है तो जेब खाली है, और जेब खाली है तो आंगन में कंगाली है। इस नाते से रोजगार देने पर भारतीय जनता पार्टी विशेष बल दे रही है, और स्वदेशी का एक शब्द में अर्थ है संपूर्ण रोजगार। हम प्रतिबद्ध हैं गांव गरीब किसान के उत्थान के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं बेरोजगार नौजवान के उत्थान के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं झुग्गी झोपड़े के इंसान के उत्थान के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं नारी के विकास और उसके उत्थान के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं दलितों, शोषितों, उजड़ों, पिछड़ों और वंचितों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए। हमारे आर्थिक सोच की ये बुनियादी बातें हैं जिनको लेकर के भाजपा एक नए भारत की रचना करना चाहती है। हमने कहा है कि हम इस आर्थिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं, और जहां तक इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों करोड़ों गरीब लोग हैं उनका स्थान इस स्वदेशी आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या होगा इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कहा गया है कि नेहरू मॉडल की जगह राव मॉडल या मनमोहन सिंह मॉडल आया है, उस राव और मनमोहन सिंह मॉडल के कारण इस देश के अंदर गरीबी बढ़ी है। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, जब यह नई आर्थिक नीति नहीं आई थी, उन दिनों देश के अंदर गरीबों की संख्या लगभग 29% थी।
सरकारी रिकॉर्डों के मुताबिक। यह संख्या आज 4.5 साल इस नए आर्थिक नीति के चलने के बाद लगभग 40% हो गई है। ये 40% का जो फिगर इस प्रस्ताव में दिया गया है, ये मिड टर्म अप्राइजल ऑफ 8 ईयर प्लान के अंदर से लेकर के यहां कोट किया गया है। लेकिन पिछले 15-20 दिन पहले अखबार में एक न्यूज छपा था, नेशनल सैंपल सर्वे वालों ने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से तो ये गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वालों की संख्या लगभग 47% हो गई है। इस प्रकार से देश के अंदर अब लगभग आधी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गई है, 30 से चलकर के वो 50 के लगभग यहां पहुंच रही है। इस प्रकार की स्थिति जब हो गई है तो जो शुरू से ही गरीब है, जिसको योजना आयोग ने भी गरीबी रेखा के अंतर्गत जिन लोगों को लिया था, उनकी क्या स्थिति बनी होगी हम कल्पना कर सकते हैं। हमने इस प्रस्ताव में यह भी कहा है कि छोटे उद्योग धंधों से 5 गुना लोगों को रोजगार मिलता है, और जैसा आप सभी जानते हैं हम भारतीय संविधान के तहत काम करते हैं। हमारे संविधान का कंसेप्ट है इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड अवर्स इज ए वेलफेयर स्टेट, और जब वेलफेयर स्टेट का मतलब सीधा साधा यह है कि वी हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जब देना है तो इन छोटे उद्योगों को जिंदा रखना है। मैं क्षमा चाहूंगा, शब्द तो इस प्रस्ताव में बड़े अच्छे कहे गए हैं लेकिन ऐसे प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे इच्छा शक्ति और कमिटमेंट का बोध होता हो। हमें यह कहना चाहिए कि हम हर कीमत पर इन छोटे उद्योगों को जीवित रखेंगे और इन्हें बढ़ोतरी देंगे। इसलिए किसी भी बड़े उद्योग को अनुमति उस चीज को पैदा करने की नहीं देंगे जिसे छोटा उद्योग बनाता है। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अर्थ नीति लिखने वाले यूरोप संस्कृति के तो बहुत हुए, अब तक ग्रामीण अर्थ नीति के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण नहीं किया जाएगा। तब तक न तो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूरा होगा और न भारत की आत्मा में से कोई प्रकाश निकल सकेगा। इसलिए संपूर्ण भारत की अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगी तो भारत की ग्रामीण अर्थ नीति के आधार पर भारत के निर्माण और पुनर्रचना की अर्थ नीति होगी, वही भारत का निर्माण कर सकेगा। यहाँ पर जितने हमारे साथियों ने बहुमूल्य योगदान किया है, लगभग 20 लोगों ने इस प्रस्ताव पर अपनी बात यहां आकर मंच से कही है, हम उन सब साथियों का और उन साथियों का भी जिन्होंने लिखित रूप में अपने संशोधन भेजे हैं, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कार्य समिति की ओर से कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई।